नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। बिहार में इन दिनों सियासत में काफी उबाल है, तब से जब से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के भक्त चरण दास को भक्चोनहर कह दिया। कांग्रेस के तमाम नेता इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर इन दिनों पप्पू यादव भी कांग्रेस के पक्ष में है, कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो पप्पू यादव जो कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी भी रहे, अब उन्होंने ये कह दिया है कि जिन लोगों को भक्चोनहर शब्द आदरणीय लगता है, वो भी अपने आका को भक्चोनहर कहकर ही संबोधित करें। पप्पू यादव किन्हें भक्चोनहर कहने की बात कर रहे हैं, वो आगे आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि पप्पू यादव ने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो है, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही ये बयान दिया कि भक्त चरण दास भक्चोनहर है। इसके बाद सियासत काफी तेज हो गई, कांग्रेसियों ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, बहुत गुस्सा हुए, लालू प्रसाद यादव का पुतला तक फूंक दिया और तरह तरह की चीजें बिहार के राजनीतिक गलियारों में होने लगी। लालू प्रसाद यादव के जो साथ थे उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो कांग्रेस के साथ हैं वो काफी गुस्सा है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी क्या कुछ कहा था आपने सुना ही था, काफी गुस्से में थी वो। लेकिन आज ही राजद के शिवानंद तिवारी ने ये कहा कि भोजपुरी भाषा हम भी जानते हैं, भक्चोनहर शब्द जो है भोजपुरी में कोई माँ बहन की गाली नहीं है, लेकिन उन्होंने इसका मतलब नहीं समझाया था। अब पप्पू यादव भी इस लड़ाई में कूद गए हैं और उन्होंने शिवानंद तिवारी को ही टारगेट करते हुए कहा है कि जिन लोगों को भक्चोनहर शब्द आदरणीय लगता है, वो अपने आकाओं को यही कहकर करे। आका मतलब कौन? लालू यादव। आपको हम पप्पू यादव का ट्वीट दिखाते हैं। पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिनको भक्चोनहर शब्द आदरणीय लगता है, वह सब अपने अपने आदरणीय लोगों को यही विशेषण लगाकर संबोधित करें। मैं तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी से सहमत हूं कि यह दलित उत्पीड़न का मामला है। आपको बता दें कि कल ही कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री मीरा कुमार ने यह कहा था कि दलित समुदाय का यह अपमान है जिस तरह से भक्त चरण दास को भक्चोनहर कहा गया। वहीं बिहारी भाषा को लेकर भी वो काफ़ी गुस्से में आ गई थी कि बिहारी भाषा में ऐसी कोई शब्दावली नहीं है, ये तो भाषा का भी अपमान है जिस तरह से लालू यादव ने इस शब्द का प्रयोग किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के तमाम नेता इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। और इसी बीच में पप्पू यादव ने शिवानंद तिवारी के बयान को कोट करते हुए ये बातें कही है। हालांकि यहां पर इन्होंने शिवानंद तिवारी की बातों का ना ही जिक्र किया है और ना ही लालू प्रसाद यादव का नाम लिया है, लेकिन स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि ये बातें किन्हें कही गई है, क्योंकि आज ही शिवानंद तिवारी का बयान आया। उन्होंने सोशल मीडिया से ये बयान दिया कि जो भी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो कोई गाली नहीं है, भोजपुरी भाषा में ऐसा कुछ भी नहीं है, और उन्होंने भोजपुरी में ही पोस्ट किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि जिनको भक्चोनहर शब्द आदरणीय लगता है, वह सब अपने अपने आदरणीय लोगों को यही विशेषण लगाकर संबोधित करें। ये भक्चोनहर वाली जो बात है बिहार की राजनीति में बहुत ज़्यादा फैल गई है, बहुत ज़्यादा तैर रही है, और जो भी लोग हैं जिन्हें इस बात से कड़ी आपत्ति है, वो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलकर बात कर रहे हैं। अब पप्पू यादव ने भी कड़ा प्रहार कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव या फिर राजद के पक्ष से पप्पू यादव को क्या कुछ जवाब दिया जाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।